Hi everyone, welcome to the session with me. So today we are actually discussing a very interesting topic, which is can we really use old books for the new CLAT pattern? So why this topic? Well, I'll come to that. So you know, in 2019, towards the end of 2019, CLAT consortium announced a different pattern for the CLAT examination. And then suddenly for CLAT 2020, the exam pattern changed. However, if you remember the timeline, towards Feb-March, India started becoming conscious about the spread of COVID-19. And then the Prime Minister or the government imposed the lockdown. So 2020 was the year where the first CLAT was conducted based on the new CLAT pattern. It was also the year which had a full-on pandemic and lockdown imposed in the country. So for all of these reasons, there weren't any new books in the market that catered to the new CLAT pattern. And then same happened this year, that means to 2021, second wave of COVID and all of that. So technically, jab se CLAT ka naya pattern announce hua hai, tab se do exam conduct ho chuke hain is naye pattern pe, लेकिन ज़्यादा बुक्स नहीं आ पाई हैं मार्केट में कोविड लॉकडाउन या किसी भी रीज़न से. तो टेक्निकली सिर्फ एक दो बुक्स हैं मार्केट में, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा उन बुक्स में बहुत सारे एरर्स हैं. सो दे आर अ डिसेंट अटेम्प्ट, जैसे एक लॉ एंड जस्टिस पब्लिकेशन की बुक है, इट्स डिसेंट बट बहुत सारे एरर्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गलत हैं. तो ऐसी बुक जहाँ पे बहुत सारे एरर्स होते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है, वो प्रैक्टिस करने में हमारी ज़्यादा काम नहीं आ पाती. सेकेंडली मुझे एक दो बुक्स हैं जो थोड़ी ठीक लगती हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, बट उनमें यही प्रॉब्लम है कि वो ओल्ड पैटर्न की है, तो फिर हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लैट प्रिपरेशन में. एंड थर्ड, एक बहुत ही अच्छा सिंपल सबसे सिंपल सॉल्यूशन है क्लासेस, क्योंकि मैंने तो अपने आप को बदल लिया ना. क्लैट का जो नया पैटर्न था जो 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके हिसाब से टीचर्स ने अपने आप को बदल लिया, कोचिंग्स ने बदल लिया, हमने अपने सिलेबस को, अपने स्टडी मटेरियल को, अपने मॉक टेस्ट को, हमने उनको चेंज कर लिया बहुत ही जल्दी. सो आपका सबसे इफेक्टिव तरीका होता है कि अटेंड द क्लासेस, स्टडी विद द टीचर्स हु आर टीचिंग फॉर द न्यू क्लैट पैटर्न. आई एम सो सॉरी, आई एम अ लिटिल अनवेल. सो that is very important when we talk about CLAT preparation. Now moving on, if you want to join one of these institutions that is helping students prepare for the new CLAT pattern, agar aap naye CLAT pattern ke hisab se prepare karna chahte ho aur ek aisa institution join karna chahte ho jahan pe naye CLAT pattern ke hisab se taiyari ho rahi hai, to aap Unacademy ko join kar sakte ho. Unacademy plus ka ek naya batch 4th October ko start ho raha hai CLAT 2022 ke liye. Yahan pe aapka pura preparation hoga, A to Z sare subjects, pura syllabus, revision, sectional test, mock test, doubt classes, Unacademy classes live bhi dekh sakte ho, class miss hogi रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो. और ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो खुद NLU ग्रेजुएट्स हैं, वो खुद आपकी हेल्प करेंगे क्लैट प्रिपेयर क्लैट क्लियर करने के लिए. मैं खुद NLU ग्रेजुएट हूँ, माय नेम इज आयुषी, आई एम ग्रेजुएट ऑफ NLU पटियाला. इसके अलावा आपको ऐसे बहुत से एजुकेटर्स मिलेंगे जो NLU बैंगलोर, जोधपुर, भोपाल के ग्रेजुएट हैं, तो काफी सारे टॉप 10 NLUs के ग्रेजुएट्स यहाँ पर आपकी हेल्प कर रहे हैं क्लैट प्रिपरेशन में. एंड दीज पीपल हैव मेनी मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड एक और बैच क्लैट 2020 का स्टार्ट हो रहा है 6th October को, तो 4th October या 6th October वाला कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो. आप इसके लिए या तो 12-month सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या 9-month सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप क्लैट के अलावा और भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हो तो आप 12-month सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और अगर आप अकेला सिर्फ क्लैट देने वाले हो तो आपके लिए 9-month सब्सक्रिप्शन भी ठीक है. एंड सिमिलरली अगर कोई क्लैट 2023 एस्पिरेंट है, योर शी कैन गो फॉर एन for this batch which is starting on the 8th of October and you can go for a 2-year subscription. Now Unacademy पर बहुत सारी free classes भी होती हैं जो demo classes की तरह होती हैं, which are called special classes. तो आप बस Unacademy का app install करके पहले बहुत सारी demo classes भी attend कर सकते हो. And the moment you feel like yes you are very serious about your CLAT preparation, you can join the plus batch. Now ideally for CLAT 2022, I think October is very very high time. मतलब मेरे हिसाब से तो September high time था preparation start करने का. October is also okay. इससे ज़्यादा late होना, मतलब genuinely late होना, फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत problematic है CLAT clear करना. तो please, it's just a request to you
कि अपना प्रिपरेशन अगर करना है, क्लैट देना है, सीरियस हो तो जल्दी स्टार्ट करो और जल्दी सीरियस हो जाओ. एक टाइम टेबल बना लो, प्रॉपर शेड्यूल बना लो, क्लासेस अटेंड करो, सेल्फ स्टडी करो, उसको फॉलो करो. लेट तैयारी शुरू करोगे, सब लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे, तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे. और क्लैट ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग पेपर है. उसकी तैयारी में आराम से 8-9 महीने तो लगते हैं. इतना आसान नहीं है क्लैट कि हमने 2 महीने पढ़ा और हमारी क्लैट में बहुत अच्छी रैंक आ गई, हम टॉप 100 में आ गए. दैट डजंट वर्क विद क्लैट, ठीक है? तो इतना मिराक्युलस भी नहीं है. तो 9 मंथ सब्सक्रिप्शन फॉर एग्जांपल 17,000 का है, बट जब आप एनएलयू लाइफ कोड यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो यहाँ पर आप नीचे एनएलयू लाइफ कोड लिखकर उसको अप्लाई कर सकते हो, तो प्राइजेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे. इंस्टेड ऑफ 17,000 द सब्सक्रिप्शन विल बी फॉर 14,000 और 15,000 अप्रॉक्सीमेटली. नाउ हाउ टू यूज़ दीज ओल्ड बुक्स. सो देखो, आई पर्सनली थिंक जो पुराने क्लैट पैटर्न के हिसाब से बुक्स थी वो अभी भी एलिट, MHCT या स्लैट इन एग्ज़ाम्स के लिए 100% अप्रोप्रिएट हैं. जब हम क्लैट की बात करते हैं तो क्लैट में पढ़ने का तरीके में भी थोड़ा सा चेंज आया है, और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो अगर मैं किसी भी पुराने पैटर्न की बुक की बात करूं, मान लो कोई पुराने पैटर्न के हिसाब से अच्छी बुक थी, तो वो बुक क्या आप ले सकते हो? आई थिंक आप ले सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे यूज करना है. उसको आप ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते. दैट इज वन. सो टू, इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड बेसिक लीगल थ्योरी, तो वो आपको इन बुक्स में मिलेगा कि भाई कौन कौन से लॉ आने हैं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, थोड़ा सा थियोरेटिकल नॉलेज दैट यू विल फाइंड इन दीज बुक्स. अगर आप टेक्निक्स जानना चाहते हो लॉजिक के, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों, वो भी आपको बुक्स में मिल जाएगा. पुराने पैटर्न की बुक्स में भी मिल जाएगा आपको. अगर आप इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सीखना चाहते हो, तो इसकी भी प्रैक्टिस और इसके थोड़े से क्वेश्चन एंड अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग यू विल फाइंड इन दीज बुक्स. एंड लास्टली क्वांट और मैथमेटिक्स. तो जो अभी क्लैट का क्वांट है, जो ओरिजिनली मैथमेटिक्स हुआ करता है, तो वो भी आपको इन बुक्स में मिल जाएगा. और जो जो टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, लगभग वैसे ही टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स अभी भी क्लैट में आते हैं. तो लीगल की थ्योरी इन बुक से हम थोड़ी सी समझ सकते हैं, लॉजिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक्स हम समझ सकते हैं और लॉजिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रामर वोकैबुलरी और इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक और उनको प्रैक्टिस हम यहाँ से कर सकते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन या क्वांट के क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. अब जो GK है, GK क्लैट में आता नहीं है, वो पुराना रट्टाफिकेशन वाला GK, अकबर, हुमायूं, इंडस वाली सिविलाइजेशन, ये MHCT, एलिट, स्लैट इन एग्जाम्स में आता है. ये पुरानी बुक्स में आपको GK भी मिलेगा जो आपके क्लैट में काम नहीं आएगा. सो GK हमें नहीं पढ़ना है यहाँ से. करेंट अफेयर्स, मान लो कोई 2019 की बुक है, 2020 की बुक है, या नई बुक भी है जिसका नया एडिशन है बट पैटर्न चेंज नहीं हुआ है. करेंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, बट करेंट अफेयर्स के लिए बेसिकली तुम्हें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है. करेंट अफेयर्स तो अनलिमिटेड है, रोज़ नया नया आता है, तो हम बुक के भरोसे नहीं बैठते. करेंट अफेयर्स को पढ़ने की टेक्निक तो कम्प्लीटली अलग है, उसमें हमें बुक्स की ज़्यादा हेल्प चाहिए ही नहीं होती. वो तो पूरा क्लासेस पे और न्यूज़पेपर पे और सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है. तो करेंट अफेयर्स के लिए भी बुक्स यूज़फुल नहीं होंगी. थर्ड है लीगल की. जब मैं बात करती हूँ लीगल के, जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी तो समझ सकते हो कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ मतलब क्या होता है, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, टॉर्ट्स क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, बेसिक थ्योरी तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. पर जो क्वेश्चंस आएंगे क्लैट में, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जिनके बेसिस पे आपको पैसेजेस जिनके बेसिस पे आपको आंसर्स ढूंढने हैं, वो आपको इन बुक्स में नहीं मिलेंगे. तो उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ से नहीं कर सकते. तो लीगल की जो प्रैक्टिस है या लीगल के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे. एक और चीज़ आपको इन बुक्स में मिलेगी, वो मिलेगा आपको लीगल नॉलेज, यानी लॉ के टॉपिक से रिलेटेड ना वन लाइनर क्वेश्चंस. कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कितने आर्टिकल्स हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, इस तरह के आर्टिकल्स. 44th अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं.
वो क्वेश्चंस भी क्लैट के नए पैटर्न में नहीं आते, वो क्वेश्चंस भी एलिट स्लैट एमएचसीटी वगैरह के लिए ठीक है. तो लीगल नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस है, लीगल में रट्टाफिकेशन, वो इन एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हो, बट क्लैट के लिए लीगल नॉलेज हमें नहीं पढ़ना है. सो लीगल की सिर्फ थ्योरी में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं पुराने पैटर्न की बुक्स, पर प्रैक्टिस में, क्वेश्चंस में, क्वेश्चन टाइप में हेल्प नहीं कर सकते. बट लॉजिक, इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए ठीक है. अब लॉजिक में भी एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर बुक्स में आपको क्रिटिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग दोनों मिलेंगे. एनालिटिकल रीजनिंग इन एग्जाम्स में थोड़ा ज़्यादा आता है और क्रिटिकल रीजनिंग क्लैट में थोड़ा ज़्यादा आता है. क्रिटिकल रीजनिंग मतलब पैसेज वाले, यू नो, बहुत कुछ पढ़ के क्वेश्चन में से लॉजिक ढूंढना और उसको सॉल्व करना, तो पैसेजेस वाले लॉजिक के क्वेश्चन, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग, वो क्लैट में ज़्यादा आएगा. तो वो भी आपको पुराने पैटर्न की बुक्स में मिलेगा, पर बहुत ज़्यादा ना मिले शायद. तो दिस इज द जस्ट बेसिकली कि जो पुरानी बुक्स हैं मार्केट में 2019 तक जो पब्लिश हुई थी, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो. इनमें से कई सारे बुक्स के नए एडिशंस भी आए हैं, 2020 एडिशन, 21 एडिशंस. तो मैं बोलूँगी उन एडिशंस को खरीदने से पहले कोशिश करना आप एक बार किसी ऑफलाइन स्टोर पे उनको चेक करो. ऑनलाइन खरीदने से बेटर है कोई भी बुक सबसे पहले तो उसका एडिशन चेक करो, इज इट 2020 और 21 एडिशन. तो 21 एडिशन वाली बुक्स के ज़्यादा चांसेस हैं नए पैटर्न के हिसाब से अपडेट होने के, तो आप उन बुक्स को खरीदो. सेकेंडली, कोशिश करो कि आप फिजिकली एक बार उनको चेक करो ऑफलाइन मार्केट में, कुछ पेजेस खोल के देखो बुक के, चेक करो खुद की वाकई. देखो 21 एडिशन कोई भी लिख सकता है, और पुराने एडिशन कोई नया, यू नो, नाम देख के दोबारा मार्केट में छाप दिया, बच्चों ने खरीद लिया, उनका टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ. तो आप एक बार बुक को खोल के चेक कर सकते हो फिजिकल मार्केट से अगर बुक खरीदोगे तो, कि यार लीगल में देख लो सच में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए, सॉरी प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं. क्योंकि अगर प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन दिए हैं लीगल में, तो वो भी पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इन एग्जाम्स में आते हैं, क्लैट में नहीं आते. आप लॉजिक को खोल के चेक कर सकते हो एक बार कि लॉजिक में बहुत सारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं या एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं. सबसे अच्छा टेस्ट है लीगल से चेक करो, उस बुक का लीगल सेक्शन खोलो और वहां पर चेक करो कि पैसेज वाले लीगल के क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उस बुक में या नहीं है. अगर पैसेज बेस्ड लीगल रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स वो बुक पुराने पैटर्न की है. तो पुराने पैटर्न की बुक से हम थोड़ा सा ज्ञान तो ले सकते हैं, वो मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत हेल्प होती है हमारी, वो ये सारी हेल्प है हमने डिस्कस करी, बट 100% प्रेपरेशन नहीं हो सकता. तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए है क्लासेस. जब हम आपको अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो हम आपको पूरा नए पैटर्न के हिसाब से पढ़ाते हैं और बताते रहते हैं कि बेटा ये चीज ऐसे पढ़ोगे तो एलिट में काम आएगी, इस चीज को ऐसे पढ़ोगे तो क्लैट के नए पैटर्न में काम आएगी. सो दैट इज वन थिंग. ऑल्सो अनअकैडमी के जो मार्क्स होते हैं वो नए पैटर्न के हिसाब से होते हैं. एंड अगर आप क्लैट 2021 क्वेश्चन पेपर को देखोगे, मैंने एक वीडियो डाला है इसी यूट्यूब चैनल पे, यू कैन ऑल सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. तो अनअकैडमी क्लैट इस यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा जहां पे क्लैट 2021 क्वेश्चन पेपर में काफी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं अनअकैडमी मॉक से, कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है. तो अनअकैडमी के मार्क्स का लेवल एक्चुअली अच्छा है क्लैट प्रिपरेशन के हिसाब से. जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो ऑटोमेटिकली आपको मॉक सीरीज भी मिलती है, तो आप उन मॉक्स के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हो. और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपका क्लैट का एग्जाम पास आता जाएगा, वैसे वैसे अनअकैडमी के मॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, तो आपके मॉक्स की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम पुराने पैटर्न की बुक से लॉजिक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं और मैथ्स पढ़ सकते हैं, यानी क्वांट. जी के हमें पढ़ना नहीं है, उन बुक्स में दिया होगा, पर क्लैट के काम का नहीं है, एलिट वगैरह के काम का है. करंट अफेयर्स हमें वैसे भी बुक से नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर और क्लासेस से पढ़ना है. लीगल में थ्योरी वैसे भी मेरे क्लास नोट्स काफ़ी होते हैं, और हम क्लास में जिस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे प्रिपेयर करने के लिए. तो लीगल की प्रैक्टिस के लिए भी ये बुक्स हमारे काम नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन टाइप दिया हो वो अलग तरह का दिया हुआ है. इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामर और वोकैब यहाँ से पढ़ सकते हो, बट अगर ग्रामर अच्छे से समझना है तो उसके लिए भी क्लासेस ज़रूरी है. वोकैब में एक्चुअली इम्प्रूवमेंट के लिए किताब में से कुछ 2-4 पेजेस पढ़ लिए तुमने वोकैबुलरी के, या 100 वर्ड्स याद कर लिए, ऐसे वोकैब इम्प्रूव नहीं होती. वोकैब इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली रीडिंग करनी होती है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अलग अलग सोर्सेज से, और वहाँ पे हम जितने भी नए शब्द सीखते हैं उन नए वर्ड्स को लिख लिया करो ताकि फ्यूचर में भूलो नहीं. तो जब तुम कुछ नया सुनते हो इंग्लिश में और तुम उसको उसी वक्त नोट कर लेते हो और फिर याद करने की कोशिश करते हो, ऐसे तुम ज़्यादा अच्छे से अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करोगे, बेसिकली अटेंटिव होके और हमेशा कुछ नया नया सीख के.
एंड थर्ड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थोड़े से आप इन पुरानी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट देन आफ्टर अ पॉइंट आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी. तो एडिटोरियल पढ़ना भी एक बहुत अच्छा और तरीका है क्लैट के नए पैटर्न के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने का. एंड जब हम लीगल की बात करते हैं तो जो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो इन बुक्स में दिए होते हैं, वो आपका बेसिक फाउंडेशन बनाने में हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी. उन क्वेश्चन से हम टेक्निकली सीख सकते हैं कि कैसे आंसर करना है. फाउंडेशन हमारा वहाँ से बन सकता है. बिगिनर्स के लिए हम थोड़े से प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे. हमारा रास्ता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना. हमें आदत हो जाएगी ईजी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. तो ये जो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इन बुक्स में आपको मिलेंगे लीगल के सेक्शन में, वो कम्प्लीटली यूजलेस नहीं है. 30-40% अभी भी काम के हैं. उनको आप अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उनसे कुछ नया सीख सकते हो, उन क्वेश्चंस को करने का तरीका इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन 100% उनके भरोसे नहीं बैठना है आपको. सो या आई थिंक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दीज बुक्स and how to prepare for CLAT using the books. So that will be the end of the session, everyone. I am Ayushi Rajput. I'm a graduate of National Law University, Patiala. And if you're planning to take a subscription on An Academy for CLAT 2022, two batches are starting. One is starting on the 4th of October, another one on the 6th of October. And for CLAT 2023, 8th October ko batch start ho raha hai. Aur ye sare batches ke liye aap NLU life code use karke 10% discount ke saath subscription le sakte ho. Aur jab bhi aap An Academy subscription lo, An Academy ke in batches mein enroll karna, classes ko enroll karna, aur hum classes mein milenge fir. Good luck everyone.